हेलो गाइज, आई एम आर एन एडिट्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का थंबनेल लेकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं कौन सा फोटो एडिटिंग का बात करने वाला हूँ। सो ये फोटो को जब मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो गाइज मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने लगे और डीएम आने लगे कि भाई ये फोटो को आपने एडिट कैसे करा, भाई आप इसका ट्यूटोरियल डाल दो। तो गाइज मैंने फाइनली इसका ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। और गाइज इस फोटो को जब मैंने अपलोड किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे इंगेजमेंट हुआ था। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इस फोटो को मैंने एडिट कैसे करा है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और गाइज इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को दबा लो ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और गाइज इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ मैं डेली न्यू कंसेप्ट डालते रहता हूँ। सो गाइज चले चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये वाले बैकग्राउंड को पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। सो इस फोटो एडिटिंग में जो मैं बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करूंगा उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो ये बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद हम लोग सिंपली चलेंगे ऐड फोटो पे और गाइज हम लोग यहाँ पे अपना मॉडल का पीएनजी लाएंगे, जो हमारा कटआउट पीएनजी है वहाँ पे ये लगाएंगे। सो गाइज हम लोग चलते हैं ऐड फोटो पे और ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपना ये कटआउट पीएनजी लेकर आएंगे। सो गाइज मेरा ये कटआउट पीएनजी रहा, मैंने इसका कटआउट पहले ही कर लिया था। अभी तक आपने कटआउट का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको गाइज इसके फ्रेम में सेट करेंगे। गाइज मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप कभी भी फोटो एडिटिंग करो तो 4:5 रेशियो में एडिट करो ताकि जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी आप यूज़ करो वो परफेक्ट फिट हो जाए। सो गाइज हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम लोग सिंपली अब हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करना है, इधर पार्ट्स को इरेज करना है ताकि लगे कि ये पानी के अंदर है। सो गाइज हम लोग क्या करना है, हम लोग इस पर एक बार टैप करना है और टैप करने के बाद गाइज हम लोग इसका ओपेसिटी को कम कर लेना है। सो इतना ओपेसिटी कम कर लेना है, उसके बाद गाइज हम लोग सिंपली चलना है इरेजर टूल पे। और इरेजर टूल पे जाने के बाद गाइज हम लोग सिंपली यहाँ से इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद गाइज हम लोग इसको साइज़ को अपने हिसाब से रखना है और हार्डनेस को बढ़ा लेना है गाइज इतना। और हार्डनेस बढ़ाने के बाद गाइज सिंपली हम लोग को इरेजर पर टाइप करना है और इसको हटा लेना है। और सिंपली गाइज हम लोग इधर से ये वाले पार्ट्स को इरेज करना है, इसका नीचे का पार्ट्स इरेज करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से इसको इरेज करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये इतना इरेज हो चुका है और जो हमारा ऊपर का रह गया पार्ट्स गाइज उसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ से इसको रीस्टोर कर लेंगे। तो हम लोग चलना है रीस्टोर पे और रीस्टोर पर जाने के बाद गाइज हम लोग वापस इस पर टैप करना है और टैप करने के बाद साइज देख लो आप, साइज इतना ही रखना है और इधर जो हमारा हट गया उस वापस इसको रीस्टोर कर लेंगे। सो हम लोग इतना रखते हैं और उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ से डन करना है और डन करने के बाद हम लोग ओपेसिटी को वापस बढ़ा लेना है। और ओपेसिटी बढ़ाने के बाद गाइज अब देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है तो उसको हम लोग अब एडजस्ट कर लेते हैं। सो हम लोग इस पर एक बार टैप करना है फोटो पे और वापस इरेजर टूल पे चलना है और इरेजर पे चलने के बाद गाइज हम लोग सिंपली यहाँ से साइज़ को इतना कर लेते हैं और इतना करने के बाद हम लोग इसको इरेज करना स्टार्ट करते हैं। सो इसको ऐसे इरेज करना है, आप अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से इरेज कर लेना, ऐसे इरेज करना है ताकि लगे कि हमारा आधा शरीर पानी के अंदर है। सो हम लोगों को ऐसा ही इरेज करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये परफेक्ट इरेज हो चुका है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करना है, हम लोग यहाँ से इसको डन करना है और डन करने के बाद गाइस सिंपली हम लोगों को वापस यहाँ से डन करना है। और डन करने के बाद हमारा क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गाइस यहाँ पे इसका जो पानी में रिफ्लेक्शन होता है, शैडो होता है, वो क्रिएट नहीं किए हम लोग। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले यहाँ से एक बार सेव कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग जो शैडो बनाना है वो हम लोग लास्ट में बनाएंगे। और गाइस इतना होने के बाद अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फ्लेयर का पीएनजी, जो सन फ्लेयर है उसका पीएनजी लगाएंगे। सो हम लोग उसको लेकर आते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे ऐड फोटो पे। सो गाइस ये रहा हमारा फ्लेयर का पीएनजी और उसको क्या करेंगे गाइस, हम लोग सिंपली यहाँ चलेंगे ब्लेंडिंग मोड पे और इसका ब्लेंडिंग मोड कर देंगे स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद गाइस हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इतना ताकि ये लगे कि सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे फेस पे। और उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से डन करेंगे और डन करने के बाद सिंपली हम लोग चलेंगे ऐड फोटो पे। और ऐड फोटो पे जाने के बाद हमारा एक और पीएनजी, जो हमारा ये सन पार्टिकल्स का पीएनजी है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद गाइस इसको हम लोग फ्रेम में ऐसे सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद गाइस हम लोग सिंपली इस पर टैप करेंगे और वापस चलेंगे हम लोग गाइस ब्लेंडिंग मोड पे। और इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेना है हम लोगों को स्क्रीन।
सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाइस इतना हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से डन करना है, और इतना होने के बाद गाइस अब हम लोग को यहाँ पे लगाना है अपना शैडो जो हमारे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है उसको लगाना है। उसके लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा जो पहले सेव किए पिक को उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सो हम लोग ऐड फोटो पे चलेंगे, और ऐड फोटो पे चलने के बाद हम लोग ये वाला अपना लेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद गाइस सिंपली हम लोग इसको जस्ट इसे इसके नीचे रखना है ऐसे उल्टा, और इसको साइज में रखना है गाइस, और इसको ओपेसिटी को हम लोग करना है कम, और इसको जस्ट यहाँ पे रखना है ऐसे। और गाइस ये फिट नहीं है क्योंकि ये गाइस इसके जस्ट उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से फ्लिप रोटेट पे, और इसको जस्ट ये वाले थर्ड नंबर वाले पे टैप कर देना है, तो ये इसके साइज का हो जाएगा। और गाइस हमारे शैडो को इरेज करना है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे इरेजर टूल पे, और इरेजर टूल पे जाने के बाद गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से इसको इन्वर्ट कर लेंगे, और इन्वर्ट करने के बाद गाइस हम लोग रिस्टोर पे चलेंगे, और रिस्टोर पे जाने के बाद साइज को अपने हिसाब से रख लेना है, और जस्ट इसको नीचे ऐसे पेंट करना है। सो गाइस मैं इसको यहाँ पे ऐसे पेंट कर लेता हूँ, और इधर भी कर लेना गाइस ताकि ये लगे कि पानी में रिफ्लेक्शन है, और इधर भी कर लेना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से डन करना है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये परफेक्ट शैडो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद गाइस ये थोड़ा सा ज़्यादा और ओपेसिटी लग रहा है, तो उसका मैं उसके लिए हम लोग और थोड़ा सा कम कर लेंगे। सो मैं इसको 10 रखता हूँ, 10 सही है गाइस। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपली डन कर देना है, और डन करने के बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन इसका शैडो बन चुका है। उसके बाद एक और पीएनजी है जो हमारा वाटर के ऊपर पीएनजी है जो इसके जस्ट हैंड के ऊपर रहेगा, सो उसको हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। और गाइस ये रहा हमारा पीएनजी, उसको ऐड कर लेंगे, और इसको सिंपली ऐसे एडजस्ट कर देना है गाइस। सो आप देख सकते हो ये पीएनजी जस्ट हैंड के ऊपर बैठ गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको डन कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे इसका एडिटिंग पूरा डन हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो कलर ग्रेड करेंगे वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। चले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे कलर ग्रेड। सो गाइस अभी तक हमने लाइटरूम को डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस आपको इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं आपको वहाँ से प्रीमियम वर्जन दे दूंगा। सो गाइस हम लोग करेंगे इसमें कलर ग्रेड, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है सिंपली हम लोग चलना है एडजस्टमेंट टूल पे, और गाइस यहाँ चलना है एडजस्टमेंट टूल पे, और करना है गाइस हम लोग यहाँ पे इसका लाइट एडजस्ट करना है। सो लाइट एडजस्ट करने के लिए हम लोग देखना है गाइस कि हमारे ये जो फोटो है इसमें क्या लाइट है, क्या शैडो है, और कितना हाईलाइट है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस हम लोग देखना है यहाँ पे कि इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसका एक्सपोजर को करेंगे माइनस साइड। सो इसके एक्सपोजर का माइनस ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट कम लग रहा है, तो उसके लिए हम कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सो हम लोग कंट्रास्ट को इतना बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखना है कि इसमें थोड़ा सा हाईलाइट और थोड़ा सा देना है ताकि ये जो सन है वो ग्लो थोड़ा सा करे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करना है हाईलाइट को बढ़ा देना है, और उसके बाद गाइस शैडो को भी बढ़ा देना है। और गाइस क्या करना है, अब हमारे पास वाइडनेस ज़्यादा है इसमें है, तो हम क्या करेंगे इसके वाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। सो गाइस इतना परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग सिंपली चलना है ये कलर्स वाला टूल पे, और गाइस हम लोग क्या करना है, हम लोग टेम्परेचर को इसमें करना है थोड़ा सा वार्म टोन में। सो गाइस हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, और गाइस इसके टिंट को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा वाइब्रेंस को भी बढ़ाना है, सो हम लोग वाइब्रेंस को इतना बढ़ा लेते हैं, और गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा हम लोग करना है माइनस साइड, और ये यहाँ पर डन है। उसके बाद सिंपली हम लोग चलना है एक कलर्स टूल पे, और क्लच टूल पे चलने के बाद गाइस सिंपली हम लोग पहले चलना है रेड वाले पे, और रेड वाले गाइस क्या करना है, हम लोग ही को करना है प्लस साइड थोड़ा सा, और सेचुरेशन को करना है गाइस थोड़ा सा प्लस साइड। सो इतना सही है, और इसका गाइस ल्यूमिनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। सो ये इतना परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे ऑरेंज आइकन पे, और ऑरेंज आइकन पे चलने के बाद गाइस हम लोग सिंपली इसके ही को करेंगे प्लस साइड। सो इसको थोड़ा सा ही को प्लस साइड कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करना है, हम लोग इसके सेचुरेशन को करना है माइनस साइड। सो इसके सेचुरेशन को इतना माइनस साइड कर लेना है, और लुमिनस को करना है प्लस साइड। सो ये सही है। उसके बाद हम लोग चलना है येलो टोन पे, और येलो टोन पे गाइस इसके ह्यू को करना है माइनस साइड, और इसके सेचुरेशन को करना है गाइस माइनस साइड, और इसके लुमिनस को करना है प्लस साइड। सो ये इतना सही है। उसके बाद सिंपली हम लोग चलना है ग्रीन पे, और ग्रीन पे चलने के बाद हम लोग इसके ह्यू को थोड़ा सा करना है माइनस साइड, और सेचुरेशन को करना है गाइस इतना माइनस साइड, और लुमिनस को छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद हम सिंपली चलना है स्काई ब्लू पे, और इसके जगह सेचुरेशन कर देना है माइनस साइड, और इसके बाद चलना है हमारा ब्लू टोन पे, और ब्लू टोन का भी कर देना है माइनस साइड,
और इसके बाद गाइस हम लोग चलना है पर्पल टोन पे, और पर्पल टोन गाइस सेचुरेशन को हम कर लेना है माइनस साइड थोड़ा थोड़ा गाइस। इसके जो पिंक टोन है इसमें भी थोड़ा सा कर लेना है, और इसके ह्यू को थोड़ा सा अप करना है, और लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। सो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से डन करना है, और डन करने के बाद हम लोग चलना है स्प्लिट टोन, ये आपको थ्री डॉट दिख रहा हो यहाँ पे चलना है, और यहाँ पे गाइस सिंपली हम लोग चलना है ये हाईलाइट वाला ऑप्शन पे, और इसके बाद गाइस ये जो हमारा डॉट दिख रहा है इसको हम लोग सिंपली यहाँ येलो पे लाना है, और ये जो बीच में डॉट है ये सेचुरेशन गाइस इसको हम लोग बढ़ा लेना है। सो हम लोग इसको इतना रखते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ से डन करना है, और गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से चलना है ये शार्पनिंग वाला टूल पे, और गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग इसके शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, और उसके बाद ये जो डिटेल है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग नॉइज़ रिड्यूसिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जो बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज़ होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है गाइस, इतना सही है। उसके बाद ये कलर नॉइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और यहाँ पे ये परफेक्ट हो गया है। उसके बाद सिंपली हम लोग चलना है इफेक्ट वाला आइकन पे, और इसके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाना है, और क्लैरिटी गाइस इतना कर देना है, और थोड़ा सा बिगनेट को माइनस साइड करना है। सो ये इतना सही है। उसके बाद गाइस ये जो मिड पॉइंट और फेदर ये राउंडनेस होता है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है, जो हम लोग विंगनेट को कम किए हैं गाइस ये उसका मिड होता है, ये फेदर होता है, और ये राउंड होता है, मतलब इसको हम करेंगे तो ये राउंड करेगा, और गाइस ये जो फेदर है इसको आगे पीछे करेंगे तो ये इसमें फेदर ज़्यादा करेगा कम करेगा, और ये मिड पॉइंट है जो इसके बीच के पार्ट्स को ब्लैक और वाइट करेगा। सो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपली हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और थोड़ा सा ग्रेन सी इसमें ऐड कर देना है। सो ये इतना परफेक्ट है। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपली चलना है वापस ये एडजस्टमेंट टूल पे, और गाइस हम लोग सिंपली यहाँ से चलना है कर्व पे, और कर्व पे जाने के बाद गाइस हम लोग यहाँ से इसे कर्व को यहाँ से थ्री डॉट क्रिएट करना है, ये यहाँ पे ये वाइट सिलेक्ट करना है। सो हम लोग इसको वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे थ्री डॉट क्रिएट कर देना है। सो यहाँ से ये क्रिएट होने के बाद गाइस हम लोग क्या करना है, हम लोग इसे थोड़ा सा इसको अप करना है, और इसमें जो ये मिड पॉइंट है शैडो वाला, शैडो के पार्ट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और ये जो हाईलाइट वाला है इसको थोड़ा सा अप करना है, और इसको थोड़ा सा डाउन करना है। सो ये यहाँ पर सही है। और उसके बाद सिंपली हम लोग चलना है ब्लू वाले कर्व पे, और गाइस यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा सा कर्व को डाउन करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सो यहाँ पर ये डन हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से डन करते हैं, और डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ये बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस यहाँ पे इसमें कलर टोन मैंने डाल दिया है। सो गाइस आपने देखा कि मैंने इस फोटो को कैसे एडिट किया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।